हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो होने वाली है डेथ नोट सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 के ऊपर। और अगर आपने अब तक डेथ नोट का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें वापस से लाइट की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियुक भी लाइट के साथ ही होता है। और अब लाइट को भी रियुक का ऐसे साथ होना नॉर्मल लगने लगता है। लाइट अपने रूम में आके वापस से डेथ नोट पर क्रिमिनल्स का नाम लिखना शुरू कर देता है कि तभी उसकी छोटी बहन सायू डोर नॉक करती है और लाइट को अपने मैथ प्रॉब्लम में हेल्प करने को कहती है। तो लाइट जल्दी से डेथ नोट को अपने डेस्क की ऊपर वाली ड्रॉअर में रख देता है और सायू को अंदर बुला लेता है। सायू रूम के अंदर आके डेस्क के पास बैठ जाती है तो रियुक लाइट से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो डेथ नोट को वहाँ पर कभी नहीं देखता, क्योंकि अगर किसी ने डेथ नोट को छू लिया तो वो भी मुझे देख और सुन सकेगा। तो लाइट गुस्सा हो जाता है और मन में ये सोचता है कि इतनी इम्पॉर्टेंट बात ये सिनिगामी मुझे अब बता रहा है। अगले सीन में हम पुलिस हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ पे अलग अलग देशों के बहुत से ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मीटिंग की शुरुआत में ये डिस्कस किया जाता है कि कैसे एक ही हफ्ते में 52 क्रिमिनल्स की मौत हो चुकी है, वो भी सिर्फ हार्ट अटैक से। तो उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि वो सब क्रिमिनल्स थे, उनको आज नहीं तो कल सज़ा मिलनी ही थी, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो दूसरा ऑफिसर कहता है कि भले ही वो सब क्रिमिनल्स हो, पर इतने सारे लोगों को एक साथ मारना तो मर्डर ही हुआ ना। काफ़ी बहस के बाद ये फैसला लिया जाता है कि इस केस को हैंडल करने के लिए एल को बुलाया जाएगा। तो सब शांत हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं और मातसुदा चीफ से पूछता है कि ये एल कौन है। तो चीफ बताते हैं कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसकी आइडेंटिटी और रियल नेम आज तक किसी को नहीं पता। अब तक जितने भी केसेस ICPO ने एल को दिए हैं वो सब उसने सॉल्व किया है। अब तक के जितने भी मुश्किल से मुश्किल केसेस हुए हैं उसको एल ने ही सुलझाया है और वो जिस भी केस पर काम करता है उसे पूरा करता है। तभी बाकी ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम एल से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, और वैसे भी एल सिर्फ उन्हीं केसेस पर काम करता है जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो। तभी वहाँ पे काले सूट में एक आदमी आ जाता है जिसका भी चेहरा ढका हुआ होता है और वो कहता है कि एल ने पहले से ही इस केस पे काम करना शुरू कर दिया है। और मातसुदा के पूछने पे चीफ बताते हैं कि सिर्फ यही एक ऐसा आदमी है जो कि एल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है और इसकी भी ट्रू आइडेंटिटी आज तक छुपी हुई है। फिर वो शख्स अपना लैपटॉप ओपन करता है जिसमें कि एल लेटर लिखा होता है। फिर लैपटॉप के थ्रू एल ऑफिसर से बात करता है और कहता है कि मुझे ICPO के सारे ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प चाहिए होगी, खास करके जापानीज टास्क फोर्स की, क्योंकि मुझे शक है कि जो मार्स मर्डरर है वो जापान में ही कहीं रहता है। वहीं दूसरी ओर हम लाइट और रियुक को एक खंडर में देखते हैं, जहाँ पे लाइट डेथ नोट को छुपाने के लिए एक ट्रैप तैयार कर रहा होता है। घर पे आके लाइट डेथ नोट को छुपाने के लिए एक सिस्टम तैयार करता है और रियुक के पूछने पे लाइट उसको बताता है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। अगर किसी को ड्रॉ की फेक सरफेस का पता चल भी गया और उसने उसे ऊपर से उठाने की कोशिश की तो सर्किट कनेक्ट हो जाएगा और डेथ नोट पे तुरंत आग लग जाएगी। जब लगातार क्रिमिनल्स की डेथ रेट बढ़ती जाती है तो सब लाइट को कीरा के नाम से एड्रेस करने लगते हैं। यहाँ पर कीरा के नाम से काफ़ी सारे फैन वेबसाइट्स बनने लगते हैं। फिर लाइट कहते हैं कि इंसान ऐसे ही होते हैं, अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि क्या बुरे लोगों को मारना सही है तो वो ना ही बोलेंगे, और ऐसे ही हम पब्लिक में पब्लिक के हिसाब से ही एक्ट करते हैं। पर इंटरनेट, जहाँ पे लोग अपनी पहचान छुपा सकते हैं, वहाँ पे लोग खुल के अपनी बात कहते हैं, इसलिए जिन लोगों ने कोई बुरा काम नहीं किया वो किरा के साथ हैं और जिन्होंने कोई भी बुरा काम किया है वो आज डर डर के जी रहे हैं। तभी पुलिस की तरफ से एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है जिसमें एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टेलर, और वो बताता है कि वो एल है। एल कहता है कि कीरा, तुम्हें लगता है कि जो भी तुम कर रहे हो वो सब सही है, पर असल में तुम गलत कर रहे हो। और जैसे ही लिंड एल टेलर कीरा को ईविल बोलता है तो लाइट गुस्सा हो जाता है और डेथ नोट पर उसका नाम लिख देता है। 40 सेकंड बाद लिंड एल टेलर को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी कैमरा एल लेटर पे शिफ्ट हो जाता है, जिसमें एल बात करता है और कहता है कि अगर मैंने ये सब खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पे यकीन भी नहीं होता। कीरा, ऐसा लगता है कि तुम किसी को भी उसके सामने आए बिना ही मार सकते हो, और तुम्हें एक बात बता दूं कि जिसको भी अभी तुमने मारा वो एक क्रिमिनल था जिसे कुछ दिन बाद सज़ा मिलने वाली थी। फिर एल कीरा को चैलेंज करता है कि अब मुझे मार के दिखाओ,
और पब्लिक में भी ये बातें हो रही होती है कि ये तो एल वर्सेस कीरा हो रहा है, पर लाइट एल को नहीं मान सकता क्योंकि उसे उसका पूरा नाम और चेहरा नहीं पता। फिर एल कहता है कि शुरू में हमने कहा था कि ये न्यूज़ वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट हो रही है, पर असल में ये जापान के सिर्फ कांटो रीजन में ब्रॉडकास्ट हो रही थी। मुझे शक था कि तुम जापान में ही कहीं रहते हो, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स मरे हैं उनमें से ज़्यादातर जापान के ही थे, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह पर रहते हो। फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुमको सज़ा दूँगा, और जब हम मिलेंगे तब तुम मुझे बताना कि तुम ये सब करते कैसे हो। और न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। इधर लाइट एल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, और लाइट और एल दोनों साथ में बोलते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।